सागर से निधि सुनील जैन ने फॉर्म दाखिल किया। सागर में मेयर पद की कांग्रेस प्रत्याशी निधि सुनील जैन ने आज अपना नाम निर्देशन फॉर्म जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। निधि सुनील जैन ने इस अवसर पर सागर के विकास के लिए कृत संकल्पित होने का विश्वास दिलाया। डॉक्टर गौर और लाखा बंजारा के सपने का सागर बन सके इसके लिए प्रयास करने का दावा किया। नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने के पूर्व कांग्रेस कार्यालय 3 बत्ती से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जत्थे के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रैली लोगों से जनसंपर्क कर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची, जिसके बाद प्रदेश संगठन के द्वारा नियुक्त चुनाव प्रभारी और जिले के वरिष्ठ कांग्रेसियों की उपस्थिति में उन्होंने नामांकन जमा किया। 3 बत्ती से रैली शुरू होने के पूर्व उन्होंने डॉक्टर गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया, तो वहीं 11 विद्वान पंडितों के साथ मंत्रोच्चारण के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर ईश्वर से अपनी इस राजनीतिक संग्राम की लड़ाई में जीत हासिल हो इसकी कामना की। साथ ही हनुमान जी सरकार का आशीर्वाद भी लिया। निधि सुनील जैन के नामांकन रैली में लंबे समय बाद कांग्रेसियों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली, जहां पर हर मोर्चा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, तो वहीं वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारी की उपस्थिति भी रही और पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। निधि सुनील जैन के तौर पर कांग्रेस संगठन को एक नई संजीवनी मिल गई है, जिसके तहत कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ा दिखाई दे रहा है। जिस ऊर्जा शक्ति और विश्वास के साथ सभी एक बैनर तले खड़े दिखाई दे रहे हैं, उसे कहना गलत नहीं होगा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ मैदान में है। आपने इलेक्शन का फॉर्म भर दिया है, तो आपका क्या संकल्प रहेगा चुनाव में? मेरा संकल्प ये रहेगा कि डॉक्टर हरि सिंह गौर और लाखा बंजारा ने जो सपना देखा था उसको मैं साकार करूं। दीदी, जिस लक्ष्य को लेके आप सागर में जैसे आपने बताया सागर में लाखा बंजारा जी बड़े बस और भी मुद्दे हैं शहर के, मुद्दे तो पूरे शहर में फैले हुए हैं। छोटे छोटे मुद्दों को मैं सबसे पहले जैसे पेयजल की समस्या है, सड़कें तब्दील है उनको करूँगी, और जो एक बालिकाओं और महिलाओं की मैं इस बार दिखा दूंगी कि महिलाएं कितनी सशक्त हैं, घर का प्रबंधन और बाहर का प्रबंधन जिस तरह से होना चाहिए करके देखिए। उत्साह है ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुझे दिया और पूरे परिवार ने जो एकजुटता का परिचय दिया मुझे। मेरा सागर तो पूरा शहर ही मेरा परिवार है, मायका भी यहाँ है, यहाँ की बेटी भी हूँ मैं और यहाँ की बहू भी हूँ। और जिस उत्साह के साथ 3 बत्ती से लेके पूरा शहर का जो हम लोगों ने लगाया और इतनी निष्ठा के साथ सब लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोगों को इतना उत्साहित कर रहे थे, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। और इसी तरह मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आप सागर के विकास के लिए कृत संकल्पित हूँ। कितने मतों से जीतेंगी आप? अगर सागर की जनता आपको इतना चाह रही है तो कितने मतों से जीत सकती है? एक लक्ष्य बनाया होगा। अभी तो मतदान होना बाकी है, इसके लिए तो अभी दिख रहे हैं लोगों को कुछ काम चल रहा है। एलिवेटेड कॉरिडोर इतना सुंदर जो आया है स्मार्ट सिटी का, तो उसके लिए तो कुछ भी काम नहीं हो रहा था और सारी जो मिट्टी है वो सूख चारों तरफ बिखरी पड़ी है। काम के लिए बस छोटा मोटा बस समझ में आता दिखा दिया जाता है कि ये काम हो रहा है और जाकर सागर की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। युवाओं की शक्ति जो है ना उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। मैं युवाओं के लिए आप किशोरियों के लिए जो एक बोलते हैं ना कंप्यूटराइज माइंड, बच्चा पैदा होता है और मोबाइल लेके खेलने लगता है, महिलाएं कहती हैं अरे ये तो सेल्फी लेने लगा है, ये तो ये कर, तो जो युवा वर्ग है वो अभी जो 21वीं सदी का युवा है वो बहुत जानकार है और एक क्लिक में पूरी दुनिया, हम लोग इतना नहीं जानते जितना युवा वर्ग जानता है, पूरी दुनिया को सामने रख देता है। मैं उसी के सहारे मैं युवा शक्ति और किशोरी जो लड़कियां हैं बच्चे हैं और महिलाओं उन पे केंद्रित करूंगी और उनकी बुद्धि का उपयोग करूंगी। जो सागर का जो एक विकास एक निश्चित तरीके से होना चाहिए उसको करूंगी। सत्तारूढ़ पार्टी के कैंडिडेट घोषित हो गए हैं, कितनी बड़ी चुनौती मान ली? चुनौती चुनावी समर है तो चुनौती तो होती ही है,
किसी भी पार्टी का हो, कितने भी प्रत्याशी हो, तो प्रतिद्वंदिता तो रहती है लेकिन सब अपने कामों से पहचाने जाते हैं। इस तरह हम ताकत और संघर्ष मिलने के पहले तक एक्चुअली मैं एक सामान्य महिला हूँ। मुझे जब ऑफर आया कि आपको समर्पण के साथ समाज सेवा में तो सक्रिय थी लेकिन इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं थी कि इस तरह का मुझ पर कोई विश्वास करे। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो मुझ पर विश्वास किया और मुझे स्वयं भोपाल बुलाया और बोला निधि तुम ये कार्य आगे करोगी और इसे आगे बढ़ाओगी, तो मैं इस कार्य में क्षेत्र में घूमती।